अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैंने कहा कि एक ऐसा व्लॉग होना चाहिए जिसके अंदर मैं ये बताऊँ कि बच्चों के साथ मेरा डे जो है वो कैसे स्पेंड हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ वीकडे के अंदर पराठे नहीं खाए जाते, लेकिन आजकल छुट्टियाँ हैं तो मैंने कहा ये बेहतरीन ऑप्शन है। और ये मेरे बच्चों को भी पता है कि जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम जो हैं वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाते, हम पराठे खाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जो है वो चल जाते हैं। अगर खाना या लंच जो है वो लेट भी हो रहा हो तो परेशानी नहीं होती। स्कूल में तो एक पर्टिकुलर वक्त है जिसके अंदर जो है वो लंच कर लेते हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि जो है वो थोड़ी सी देर हो जाए, तो पराठे इज़ द बेहतरीन ऑप्शन। और इसके अलावा बहुत सारी चिट चैट है। अब मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो अभी पिछले दिनों मेरे साथ हुआ, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि एक अपनी वीडियो के अंदर भी उसका जिक्र किया जाए, क्योंकि वाकई में मुझे भी नहीं मालूम था उसके बारे में। और हो सकता है मेरी बहुत सारी जो है वो माएँ जो हैं वो ऐसी हों जिनको उसके बारे में मेरी तरह इंफॉर्मेशन ना हो, तो मैंने सोचा कुछ इस बारे में जो है वो डिस्कस किया जाए। मैं अभी पिछले दिनों वॉक करके जा रही थी, तो एक बहुत अच्छी हमारी नेबर भी हैं और मेरी बेटी की जो है वो क्लास में जो है वो साथ पर उनकी बेटी पढ़ती भी है, तो हम ऐसे ही वॉक करते हुए बातें करते हुए जा रहे थे, तो सामने जो है वो कुछ रोड के ऊपर छोटी छोटी बॉटल्स, बिल्कुल बारीक सी मेरे फिंगर के बराबर जो है वो बॉटल सिल्वर कलर की जो है वो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है कि ये क्या है। मैंने कहा नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, इसी मैंने इसको इससे पहले भी देखा था और मेरे बेटे ने भी पूछा, लेकिन वाकई में मुझे नहीं अंदाज़ा है कि ये क्या है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये न्यू किस्म की ड्रग आई है जो इन बॉटल्स के अंदर जो है वो टीनेजर्स को मिल रही हैं, और ये जो है वो आजकल बहुत इन है, इन फैशन है। तो वाकई में वो इतनी छोटी सी और इतनी प्यारी सी क्यूट सी सिल्वर कलर की बॉटल थी कि मैं समझ रही थी कि वो शायद कोई डेकोरेशन की चीज़ है जो कि किसी ने अपने घर के बाहर रख दी है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मुझे वाकई में इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। और क्योंकि पाकिस्तान, हमारा टीनेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर गुजरी है, और पाकिस्तान में एटलीस्ट इस किस्म के मसले जिस ज़माने में हम थे आज से 10-15 साल पहले, तो उस ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दूसरे पेरेंट्स जो यहाँ पे रहते हैं, इवन अगर गोरे फ्रेंड्स हैं तो उनसे बात करनी चाहिए, तो क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का जो है वो ज़्यादा पता होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में बच्चों के साथ भी जो है वो हर किस्म की डिस्कशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो। क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मेरा बेटा स्कूल से आया और उसने मुझसे ऐसे ही कहा, मामा डू यू नो कि हमारे स्कूल में जो है वो बॉय फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड कल्चर जो है उसके ऊपर बैन लगाया गया है। थोड़ा सा मुझे जो है वो एकदम उसकी ये बात बुरी सी भी लगी और मैं थोड़ी सी शॉक भी हुई, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही आया कि आज अगर मैंने इस बात के ऊपर रिएक्शन दे दिया तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं बताएगा। तो इसलिए जो है वो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसे, और बल्कि जो है वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से जो है वो मैंने उसको कहा कि आपके स्कूल वालों ने जो है वो बहुत अच्छा किया कि जो है वो आपको जो है वो इस चीज़ को बैन किया, क्योंकि ये जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है और अभी आप लोग बहुत छोटे हो इसके लिए। वो ये सुन के जो है वो उसने कहा कि यस मामा आप ठीक कह रही हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में कभी भी जो है वो आपस में, हर बच्चा डिफरेंट होता है, उनको जो है वो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने एज सच कंपेयर नहीं किया, लेकिन कहीं जो है वो मेरे बेटे को लगा कि मैं शायद उसकी बात ज़्यादा सुन रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा खासा एज गैप है, 4-5 ईयर्स का जो है वो मेरे बेटा और बेटी के दोनों में जो है वो गैप है, और थोड़ा सा वो बीमार भी रहती है, तो मेरी तवज्जो जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा थी। होने ये लगा था कि वो अपनी हर बात जो है वो उसके थ्रू जो है वो कन्वे कर रहा था। इवन उसको आइसक्रीम भी खानी हो तो वो कह रहा था कि जो है वो मामा अबीरा वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम।
तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना जो है वो तरीका बदला और मैंने उसे कहा, उसको समझाया कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप डायरेक्टली बोलो, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। जाहिर है वो छोटी है और वो थोड़ी सी जो है वो बीमार रहती है, तो मुझे थोड़ा सा उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है वो नहीं देखूंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो है, जैसे बेटी मेरी जो है वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं आगे बढ़ती, जैसे जो बच्चे ग्रीट करते हैं उसको बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो किसी को जाके सलाम करे, तो मुझे इस बात के ऊपर जो है उसके मतलब गुस्सा मुझे आता था, तो और उसको मैं शो करती थी, बल्कि मैंने उसको पनिश भी किया है, तो लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उसको रिवॉर्ड चीजों पे देना शुरू किया तो उससे लगा कि मुझे जो है वो बहुत फायदा हुआ है। तो मेरे लिहाज से जो है वो पनिश जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही जितना जो है वो रिवॉर्ड है, और मेरे ख्याल में रिवॉर्ड बच्चों को जो है वो ज्यादा पसंद है। इसलिए आपने देखा हो कि मैंने अब आई एम रिस्पॉन्सिबल चार्ट भी लगाया है, जिसमें उसको मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज के ऊपर मैं रिवॉर्ड दे रही हूँ। इस वक्त जो है वो ये देखें बच्चों के साथ मेरे घर की जो है वो ये हालत है, लेकिन फिर बात वही है ना, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती तो मुझे पता है कि वीकडेज के अंदर जो है वो हम बिल्कुल घर के अंदर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तो जो कचरा मचा रहे हैं वो थोड़ा सा मचा लें, मैं जो है वो थोड़ी सी, अच्छा है मेरे भी जो है वो टांगे काम कर लेंगी और मैं भी जो हूँ वो सफाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगी, समेट लूँगी। तो अभी जो है वो उनका प्ले टाइम हो चुका है, होमवर्क टाइम फिनिश होके इनका प्ले टाइम हो चुका है, तो ये प्ले टाइम हो रहा है। मेरी बेटी को स्क्रैप बुक जो है वो बनाने का शौक हो रहा था, तो वो स्क्रैप बुक में लगी हुई है। बेटा जो है वो उसको लीगो का शौक है। उसके बाद हमें जाना था अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो ये ट्यूशन जा रहे हैं, जिसमें मैं मुझे गर्मी बहुत लग रही है इसलिए मैं पीछे चल रही हूँ, और बच्चे जो हैं वो अपनी आपस में बातें करते हुए जो हैं वो चल रहे हैं आराम से मगन, फिक्र ही नहीं है कि जो है वो क्या क्या जो है वो जिंदगी में होना है। बच्चे को छोड़ के आने के बाद मैंने कहा कि मैं डिनर की तैयारी शुरू कर दूं, तो ये मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरे घर में तकरीबन एक हफ्ते से जो है वो प्याज मौजूद नहीं है, तो इस वक्त आजकल जो मेन्यू घर के चल रहे हैं वो वही है जिसके अंदर प्याज कम से इस्तेमाल ही ना हो, तो उसके अंदर भी मैं प्याज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये मैं चिली चिकन बना रही हूँ, इसमें मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो लंबी लंबी बारीक काटी हैं, ये जूलियन कटिंग की है, और मैं इनको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। चिकन का कलर सिर्फ जैसे ही वाइट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स डाल दूंगी। वेजिटेबल्स के अंदर मैंने जो है वो हरी प्याज का वाइट पार्ट लिया है जो कि जूलियन कट किया है, और शिमला मिर्च डाली है थोड़ी सी जो है वो, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइस पसंद नहीं की जाती है, तो मैंने सिर्फ दो बड़ी हरी मिर्चें जो होती हैं वो इसके अंदर ऐड की हैं, काली मिर्च ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है और नमक डाला है। मैं अजीनोमोटो इस्तेमाल नहीं करती इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिए, अगर आपको चिली जो है वो ज़्यादा डालनी है तो आप चिली डालिए, क्योंकि हर घर का जो है वो खाना और जो तरीक़ेकार होता है वो डिफरेंट होता है, तो मेरे घर में इस तरह से पसंद किया जाता है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये चिली चिकन तो इसका नाम है, लेकिन चिली जो है वो बहुत ही कम जो है वो इसके अंदर होगी। थोड़ा सा जो है वो सब्जियों को आपस में टॉस करके मैं जो हूँ वो पानी डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है, और जो है वो जब थोड़ा सा पानी जो है वो पक जाएगा तो मैं इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर दूंगी। जहाँ तक एक और चीज़ जो कॉर्नफ्लोर और पानी ऐड करने से पहले मैंने इसमें चिली सॉस भी ऐड किया था, तो वो मैं पीछे बताना जो है वो बोलना भूल गई थी, तो मैंने कहा कि ये मैं आगे जो है वो बता दूँ। उसके बाद जो है वो राइस मैंने पहले से उबाल के रख लिए थे। राइस जो है वो बेहतर होता है अगर आप फ्राइड राइस बना रहे हैं तो थोड़े ठंडे हो जाएं, तो वो टूटते नहीं हैं बेसिकली।
इसके अलावा ये जो है वो सब्जियां मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा कि उनको जो है उनकी स्टिक बना ली जाए, अब वो हस्बैंड के जो है वो सुबह के लंच के लिए जो है वो काम आ जाएगी, मुझे जो है वो सुबह उठ के सिर्फ उसको ग्रिल करना होगा। तो ये वो बची हुई सब्जियां, इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा तंदूरी मसाला जो है वो लगा लिया है, मशरूम्स हैं और जो है वो चिकन है और शिमला मिर्च। ये वही पतली है जिसमें मैंने चावल जो है वो उबाले थे। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है वो ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद अंडे में मैंने जो है वो काली मिर्च और नमक जो है वो डाली हुई है, उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। मैं उमूमन पूरा जो है वो अंडा जो है वो पकाती नहीं हूँ, और पहले ही चावल जो है वो उसमें यानी उसके पकने से पहले ही जब वो ज़रा लिक्विड शक्ल में है तभी जो है वो मैं चावल डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है वो उसको फ्राई सा कर लेती हूँ। लेकिन अभी ये हो रहा था कि मैं चाह एक एक हाथ में मेरे जो है वो कैमरा था और मैं चाह रही थी कि दूसरे हाथ से मैं काम कर लूँ, तो वो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, कैमरा भी जो है वो हिल रहा था बार बार, तो उस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई, तो अंडा थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो दे रहा था। और फिर चावल जो है वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो उसको टॉस कर लिया, ऊपर से जो है वो हरी प्याज जो है वो डाल ली। अच्छा, जब सॉस जो है वो मैंने सर्व किया तो उसके ऊपर भी मैंने हल्की सी जो है वो हरी प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी, जो हरा पार्ट है वो स्प्रिंकल कर दिया था। और ये जनाब इसी तरह मैंने जो है वो अपने हस्बैंड को सर्व किया था कि उनको जो है वो थोड़ा सा रेस्टोरेंट जो है वो स्टाइल आ जाए। और ये मैं उनके लिए जो है वो स्टिक में परो के अब उनको फ्रिज में रख दूंगी ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो सिर्फ मुझे जो है वो उनको ग्रिल करना हो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी इंशाल्लाह मंडे को। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।